किसका स्लाइड है? मैम ये सेरेब्रम का स्लाइड है। सेरेब्रम है ना, या तुम सेरेब्रल कॉर्टेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस बहुत अगर देखते हैं तो लैमिनर आर्किटेक्चर, लैमिना दिख रहा है। क्यों लैमिनर आर्किटेक्चर क्यों है इसका? डेंसिटी डिफरेंस होता है सेल बॉडी, किस चीज का डेंसिटी? सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स का, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स का डेंसिटी अलग अलग रहता है। अच्छा, सेल का लेयर्स का नाम बता सकती हो? यस मैम, बताओ। मॉलिक्यूलर सेल लेयर, इंटरनल ग्रैनुलर लेयर, पिरामिडल सेल लेयर। इंटरनल ग्रैनुलर लेयर पहले आ जाएगा, एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर, पिरामिडल सेल लेयर, एक्सटर्नल ग्रैनुलर लेयर, इंटरनल ग्रैनुलर लेयर, गैंग्लियोनिक सेल लेयर, मल्टीफॉर्म सेल लेयर। ठीक, अभी जो बताई कि सेल बॉडी का डेंसिटी अलग अलग है, सेल बॉडी का नाम ले सकते हो कि किस लेयर में कौन सा सेल बॉडी होगा? यस मैम, बताओ। फर्स्ट लेयर में हॉरिजॉन्टल सेल्स ऑफ काजल, सेकंड, थोड़ा धीरे धीरे बताओ। हाँ, हॉरिजॉन्टल सेल ऑफ काजल फर्स्ट लेयर में है, सेकंड लेयर में स्टीलेट सेल्स और स्मॉल पिरामिडल सेल्स, थर्ड लेयर में मीडियम सेल ऑफ मीडियम पिरामिडल सेल और सेल ऑफ मॉर्टिनोटी, फोर्थ लेयर में स्टीलेट सेल्स, फिफ्थ लेयर में फ्यूजीफॉर्म सेल्स एंड लार्ज पिरामिडल सेल्स, पिरामिडल सेल्स एंड सिक्स्थ लेयर में मल्टीफॉर्म सेल्स। अच्छा, पिरामिडल ट्रैक्ट का नाम सुनी होगी, तो किस सेल से वो इनिशिएट हो रहा है, कहाँ से? बेज सेल किसको कहते हैं? चलो, बेज सेल, लार्ज पिरामिडल सेल्स, हाँ वहीं से जो होता है कि पिरामिडल सेल, पिरामिडल ट्रैक का इनिशिएशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, तुम सोचो कि स्लाइड मिला है तुमको सेरेब्रम का और सेरेबेलम का, तुम कैसे डिफ्रेंशिएट करोगी दोनों? मैम सेरेबेलम में थ्री लेयर्स होते हैं लैमिना में और इसमें सिक्स लेयर्स होते हैं, सिक्स लैमिना होता है और उसमें थ्री लैमिना होता है, और फोल्डिंग नहीं होगा वो देख रही हो कि सब एक ही साथ सब दिखाई देता है, इसमें कितना फोल्डिंग होता है, किस में फोल्डिंग होता है, सेरेब्रम में कि सेरेबेलम में? सेरेबेलम में, सेरेबेलम में, और इसमें तीन लेयर होता है, इसमें छह लेयर, ठीक है, वेरी गुड।